तो विंध्य प्रदेश आंदोलन के जो अगुआ हैं नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि 2022 तक हम विंध्य प्रदेश ले लेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं और आपका इसमें क्या विचार है? कह दिया कि वो विंध्य प्रदेश आंदोलन के अगुवा है। नहीं, अभी तो नेताओं के मामले में तो वही आगे दिखते हैं, वही। नहीं, वो उनको आप कैसे अगुवा कह सकते हो? बहुत सारे लोग हैं जो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, अखबारों में नहीं छपते हैं तो क्या, अब टेलीविजन में नहीं आते तो क्या, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो क्या, लेकिन सीधी में बैठे हुए लोग भी काम कर रहे हैं, शहडोल में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगरौली में। ये तो सच्चाई है कि उन्होंने जितना विंध्य प्रदेश की आवाज को पूरे देश के स्तर तक पहुंचाने का काम किया, तो वो विंध्य प्रदेश, वो नारायण त्रिपाठी जी के लीडरशिप में हुआ। लोगों ने जाना, उसकी बात करने लगे लोग बाग। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विंध्य प्रदेश की जो पुनर्जीवन की मांग को लेकर है, कई सारे संगठन बहुत समय से काम कर रहे हैं, सबका योगदान है। मैं ये इस चीज से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नारायण त्रिपाठी जी के आने के बाद इस बात को थोड़ा सा बल मिला है, क्योंकि एक लीडर का बल तो होता ही है। आपने राजनीति को करीब से देखा है, आप सारी चीजें समझते हैं, तो मैं वो कहना चाह रहा था। निश्चित तौर पर नहीं, निश्चित तौर पे नारायण त्रिपाठी जी, अब बताया ना कि एमएलए हैं जी और जी एमएलए के नाते वो उठा रहे हैं, ये बड़ी बात जी है। एक जनप्रतिनिधि होकर वो उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन जी जी नारायण त्रिपाठी ही विंध्य प्रदेश के अगुआ और नेता है, ये गलत बात है। नारायण त्रिपाठी की कद काठी के बहुत से लोग विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं नाम जानना चाहूंगा, नाम भी जानना चाहूंगा साथ में। रणवीर सिंह है, राम प्रताप सिंह जी हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, मुनीम तिवारी हैं सीधी में, उदय कमल मिश्रा जी हैं, लक्ष्मण तिवारी जी इनके 10 गुना ज्यादा दौरा कर चुके हैं, कम से कम 1,500 मीटिंग्स कर चुके हैं रीवा सीधी जी सतना सतौल में, पर उनके पास मीडिया नहीं है, भोपाल नहीं जा पाते, टेलीविजन में नहीं आ पाते, खबरों में नहीं आ पाते। वो आदमी पिछले 6 साल से कोई भी ऐसा दिन नहीं बचा होगा जिस दिन विंध्य प्रदेश को लेके उसने जनजागरण अभियान या मीटिंग नहीं की होगी। तो देखिए, सब कर रहे हैं, सवाल ये है ना कि इस ये हमारे जो बघेल खंड है, हमारी जो बोली है, उसमें मैं नहीं है, उसमें हम है। हमारी बोली में मैं है ही नहीं, हम है, तो जी जी मैं नहीं चलेगा, यहाँ हम चलेगा। ये कमजोर जी लड़ाई है। सन 2000 में जो श्री श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के नेतृत्व में शिवमोहन सिंह जी और रमाकांत तिवारी ने संकल्प लाया, उसके बाद 50 विधायक जुटे और तमाम आंदोलन, तमाम ये सब कुछ हुआ और फिर एक जनजागरण का वातावरण बना। वो आंदोलन नहीं रहा या कम नहीं है, जनजागरण तो वहीं से शुरू होता है। जनजागरण की बात, देश में जाने की बात तो वहीं से शुरू होती है। विंध्य प्रदेश की बात कहाँ से पैदा हुई? तभी से शुरू हुई। आज नारायण त्रिपाठी जी भी बात करते हैं तो विंध्य के पुनरुदय की बात करते हैं और उस संकल्प की बात करते हैं जो 2000 में विधानसभा में लिया गया और वो जो 2000 में विधानसभा से बाहर के अधिवेशन में जिसको संकल्पित किया, उसी की बात करते हैं ना कि कोई अलग धारा से वो विंध्य का निर्माण कर लेंगे। मूल बेस तो वही है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये डिनाई अपन नहीं कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को, आप क्रेडिट और इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे या मीडिया करेगा या कोई नेता करेगा तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। सवाल जी ये है ना बिल्कुल कि आंदोलन के जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, आप उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से विंध्य प्रदेश नहीं बन जाएगा, 50 गाड़ियों का काफिला ले जाने से विंध्य प्रदेश नहीं बन जाएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल को नहीं समझ रहे हो, आप विंध्य प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानते नहीं हो, आप विंध्य प्रदेश के वो मूलभूत तत्वों को जो हमको एक करता है, हमारी सांस्कृतिक एकता है, जैसा हमने कहा कि विंध्य प्रदेश कहाँ पैदा हुआ है, आप पूछो, नहीं जानता कोई, तो ये तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। बुंदेलखंड नहीं आएगा, विंध्य प्रदेश नहीं बनेगा, ये नोट करके रख। विंध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का हिस्सा यदि साथ में नहीं खड़ा हुआ तो सरपटक के लाख मर जाएगा, कोई विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं होना है। इसलिए मूल बात यह है कि विंध्य प्रदेश की गरोनाल जहां पर गड़ी है वहां पर खड़े होके आप फिर से संकल्प लीजिए। आप दतिया जाइए, टीकमगढ़ जाइए, वहां पे माँ पीताम्बरा से और भगवान राम राजा से आशीर्वाद दीजिए, जटाशंकर से आशीर्वाद दीजिए। आप मतंगेश्वर नाथ खजुराहो जाइए, वहां के महादेव से आशीर्वाद लीजिए,
आप चित्रकूट जाइए, मैहर जाइए, आप अमरकंटक मां नर्मदा के पास जाइए, आप विंध्यवासिनी में जाइए, आप इन सबके आशीर्वाद से ही विंध्यकोश को बना सकते हैं। आप रीवा सतना में खड़े होके आप शेड्यूल को कन्विंस करना पड़ेगा। शेड्यूल हमारे कम्युनिकेशन की वजह से रीवा संभाग से कट गया, आज शेड्यूल जबलपुर से ज्यादा निकट है, कटनी से ज्यादा निकट है, बिलासपुर से ज्यादा निकट है, रीवा से उसकी वैसी निकटता नहीं है। तो आपको तो बिलासपुर और अनूपपुर में भी जाके वो जमीनी काम करना होगा, वो पुराने सेंटीमेंट्स आपके सामने उभारने पड़ेंगे। आपको भुजा भाज देने भर से विंध्य प्रदेश नहीं मिलने वाला है, आपको एक एक बुनियादी चीजें बतानी पड़ेंगी। ये मीडियाबाजी से और ये काफिलाबाजी से और ये कलफबाजी से, इससे कभी कोई आंदोलन परिणति तक नहीं पहुंचता है। आपको मालूम है पूरे विंध्य प्रदेश में 40% की आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है, आप उनको शामिल नहीं करोगे तो विंध्य प्रदेश कैसे बनेगा? आप सभी सीटें शेड्यूल की एक को छोड़ के अनुसूचित जनजाति के नाम पे, हमारे सिगरौली की जो है 3/4 सीटें जनजातियों के नाम पे है, यहाँ की आबादी जनजातियों की 35-40% के आसपास है, पन्ना की आबादी ऐसे ही है, हमारे रीवा सतना में तो जनजाति थोड़ा कम है लेकिन दलित यहाँ पे ज्यादा है। आप इनको नहीं जोड़ोगे तो विंध्य प्रदेश किसके लिए बनाओ? विंध्य प्रदेश तो इन्हीं के लिए हम मांग रहे हैं ना। आपके बंगले तो भोपाल में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, आप हवाई जहाज में भी चलते हो, आप कार में भी चलते हो, लेकिन हवाई जहाज कार और दिल्ली भोपाल में बंगला वालों के लिए विंध्य प्रदेश तो नहीं चाहिए। विंध्य प्रदेश उसके लिए चाहिए जो जंगल में रह रहा है, जो सुविधाओं से वंचित है, जहां तक सड़क नहीं गई, जहां पे औषधि के केंद्र नहीं है, जहाँ कुनेन की गोली के अभाव में मलेरिया से बच्चे मर जाते हैं, उस पन्ना को विंध्य प्रदेश चाहिए जहाँ हीरा जगमगाता है दुनिया के लिए, लेकिन वहाँ मजदूरों की एक बहुत बड़ी आबादी हरियाणा पंजाब गुजरात जाती है मजदूरी करने। ये आपको मालूम है, ये मालूम होना चाहिए नारायण त्रिपाठी जी और जो भी बड़े लोग विंध्य प्रदेश के हैं, इनको अपनी भाषा में जुबान में ये बात बोलनी चाहिए। वो बुंदेलखंड में सूखा महामारी तमाम दुनिया भर के आपदाओं से घिरा हुआ है, वहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, कल कारखाने नहीं है, वहाँ के गरीब मर रहे हैं भूखे, वहाँ से जाते हैं पलायन करके तमाम ये सब। आप उन ऐसे लोगों की बात करनी पड़ेगी, आपको सिगरौली के उन विस्थापितों की बात करनी पड़ेगी जो 6-6, 7-7 बार विस्थापित हो गए, डैम बना विस्थापित हो गए, फिर NCL की खदानें आई विस्थापित हो गए, फिर NTPC का प्लांट आया विस्थापित हो गए, फिर बनियों के कॉरपोरेट के SR आ गए, शासन आ गया, इंडालको आ गया, JP का आ गया, बालको आ गया, ये सब आ गया, वहां से वो भगा दिए गए, फिर जहां बसे हैं वहां फिर कहते हैं यहाँ कोयला है, वहां से भगा दिए जाए। ऐसे जरूरतमंदों के लिए, ऐसे लोगों के लिए विंध्य प्रदेश की जरूरत है।